हेलो दोस्तों, जय श्री राम। होमपति ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज बना रहे आलू पेटी। पहले आलू उबाल लेते हम, क्योंकि साबुत आलू गेरूंगी तो पकेंगे नहीं जल्दी से, इसलिए इनको काटना पड़ता है ऐसे, तो जल्दी उबल जाएंगे ऐसे। लगा देते ढक्कन कुकर पे और रख देते गैस पे, और गैस चालू कर दे। उसको 4 से 5 सीटी लगेगी इसके अंदर, फिर उतार के ठंडे करेंगे। दोस्तों मैंने ले ली मैदा। दोस्तों इसमें डाल लेते नमक, और इसमें डाल लेंगे फॉर्चून मोरन के लिए। चार से पांच चम्मच मैंने फॉर्चून की डाल दी इसके मोरन के लिए। इसमें जितना अच्छा मोरन होएगा तो अच्छे बनेंगे। दोस्तों हमने इसके अंदर मोरन डाले थे तो एकदम ऐसा लड्डू की तरह बन रहा है, तो एकदम बढ़िया मोरन इसके अंदर। अब गूंद लेते हैं दोस्तों इसको, और ज़्यादा गीला नहीं गूंदना दोस्तों, जैसे रोटी का होता ना उससे सही गूंदे बढ़िया। दोस्तों आलू उबल चुके हैं, अब इसको उतार लेते नीचे। मैंने गैस बंद कर दी, अब खोल के देख लेते इसको। दोस्तों उबल गए हमारे आलू, अब निकाल लेते हैं इन्हें ठंडे करने के लिए। और इधर मैंने मैदा गूंद ली, इसको रख देते रेस्ट पे। जितने बनाएंगे जितने इसका मसाला, जितने मैं रख देती इसको ढक के रेस्ट पर, तब निकाल लेते आलू। दोस्तों इसमें डाल देते मटर, अब इसमें डाल देते जीरा पाउडर, और डाल देंगे मिर्ची कुटी हुई है, और डालेंगे अमचूर पाउडर, और इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। इनको थोड़ा सा पहले पका लेते हैं। अरे ये सफल मटर तो जल्दी पक जाएंगे, ये वो वाले मटर नहीं जो बाजार के हैं, वो तो देर से पकते हैं, जल्दी पकते हैं। दोस्तों मैंने हल्का सा ये पका ली मटर को, अब इसके अंदर थोड़ा सा तो मैंने ऐसे थोड़ा कट करी थी मोटे मोटे, और थोड़ा ये ऐसे इसको वो कर देते थोड़ा बारीक, तो डाल देते इसके अंदर। अब इसको मिला देते सही से मसाले के अंदर आलू को। दोस्तों मैंने ले ली मैदा ताकि लहर पे लगाने के लिए अंदर। अब इसमें डाल लेते फॉर्चून, जो दोस्तों घर के अंदर है ना उसी से ही बना रही हूँ मैं। घोल के रख दी, ये देखिए। अब बना लेते दोस्तों चिपकाने के लिए किनारी, ताकि किनारी पे चिपकाएंगे तो खुले ना, जैसे खुल के जैसे तेल वेल भर जाता ना वो ना हो। अब इसको भी घोल के रख लेते दोस्तों किनारी पे लगाने के लिए।
दोस्तों इसको भी मिला लिए किनारी पे लगाने के लिए। अब इसको रख देते साइड में और इसमें डाल देते तेल, गैस को कम कर देंगे जितने रोटी बेल लेंगे। अब इसमें डाल देते तेल, अब ये तेल गर्म होएगा जितने मैं रोटी बेल लेती हूँ। दोस्तों इस पर ज़रा सा मैंने मैदा डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है ना, धोई थी इसको मैंने तो इसलिए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको मिला लेते सही से। अब बना लेते इसके गोले। दोस्तों हमने बना लिए 5 गोले। अब इसको रोटी बना लेते इसकी। मैंने 4 रोटी बेल ली, अब ये रह गई 5वीं, इसको भी बेल लेते। दोस्तों हमने 5 रोटी थी 5वीं बेल ली, अब इसके अंदर लगा लेते। अब दोस्तों अब इस पे लगाते थे लेयर। अब थोड़ा सा मैदा बुरका देते। अब ये ले ली दूसरी रोटी, इसको भी लगा देते इसी पे। अगर कोई छोटी रोटी भी हो जाए ना दोस्तों, इस तरीके से इसको करके ये बराबर हो जाएगी। ये देखो बराबर हो गई ना। अब इस पे लगा लेते दोबारा से लेयर। दोस्तों ये लास्ट था, मैंने रख दी इस पर। और इतना हिस्सा दोस्तों इतना हिस्सा छोड़ देंगे घी लगाने में, इतना हिस्सा, क्योंकि वो ये लगाएंगे चिपकाने का, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर छूट जाएगा, तो इसलिए वो लगाना पड़ेगा। तो आधा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो चिकना नहीं होए। दोस्तों इस पर लगा देते जो मैंने ये मैदा घोली थी वो, ये लगा दिए दोस्तों। अब इसको इस तरीके से बनाएंगे खींच के। दोस्तों देखो इतनी लहर आई है, ये देखिए 5 रोटी की बनाई थी। अब इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब बेल लेते दोस्तों इसको। अब काट लेते दोस्तों इसको चुप। दोस्तों इस पे लगा देते आलू इस तरीके से, और अब लगा देते हैं इसको इस तरीके से। दोस्तों पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा डर तो लगता ही है ना।
दोस्तों ये पेटी मैंने बनाई ना जी, ये खुल बड़ी हो जाएगी, खुल के ये फूलेगी अभी ये, तो मैंने मंदी आंच पे कर रखी इसको। दोस्तों देखो मैंने डाली थी ना तो छोटे थे, फिर ये बड़े फूल गए। दोस्तों निकाल लेते हैं इनको। दोस्तों हमारी आलू पेटीज तैयार हो गई, और यूट्यूब पर आप भी आ जाइए, तोड़ के दिखलाए दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हमारी पेटी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आपको।